जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अमजद पॉलिटेक्निक प्लस से और स्वागत करता हूँ आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए होने वाला है जो भाई पॉलिटेक्निक पास आउट हो चुके हैं या फिर पॉलिटेक्निक के लास्ट ईयर में है यानी पॉलिटेक्निक के सिक्स सेमेस्टर में है और उनका सपना है कि वो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक या फिर बीई करे। और उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर बिहार इंजीनियरिंग एली का सिलेबस क्या है यानी बिहार इंजीनियरिंग लेटर एंट्री का एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस क्या है, उनका ये सबसे बड़ी डाउट है। तो आज के वीडियो में हम उनके लिए हाजिर हो चुके हैं लेके फुल एनालिसिस के साथ, फुल डिटेल के साथ, पूरा विस्तार के साथ बताने के लिए सिलेबस कि आखिर किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन किन सब्जेक्टों में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से एली से बीटेक करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एली से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट दी जाएगी, वो भी सबसे पहले। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सिलेबस क्या क्या है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए है। हालांकि अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 2020 का मेरे पास सिलेबस है, अभी भी सिलेबस यही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सिलेबस के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सॉलिड ज्योमेट्री, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट में पढ़ना होगा आपको, उसके बाद लास्ट वाला जो चैप्टर है इसका नाम है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैकेनिकल वाले और सिविल वाले ने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस फूरियर सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। तो ये फूरियर सीरीज को देख के मैकेनिकल और सिविल वाले को घबराना नहीं है, उन्हें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि ये ईजी है, अगर आपको कैलकुलस अच्छा से आता है तो कैलकुलस के आधार पर भी फूरियर सीरीज भी आप पढ़ सकते हैं। अब बारी है सेकेंड, अब देखते हैं विषय खंड दो, दूसरा जो विषय है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के टाइप कौन कौन होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स, इस तरह से मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले चैप्टर में। और दूसरा जो चैप्टर है वेक्टर मेथड, और तीसरा जो चैप्टर है वो है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, चौथा जो है इक्विलिब्रियम, और पांचवा जो है फ्रिक्शन, छठा जो है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल, सातवां चैप्टर जो है इम्पल्स एंड मोमेंटम, और आठवां जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, नौवां जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये जो चैप्टर थे ये थे मैकेनिक्स का। अगर मैकेनिक्स का बात करें तो मैकेनिक्स को मैकेनिकल वाले ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, बट दूसरे ब्रांच के जो बच्चे होते हैं उन्हें मैकेनिक्स थोड़ा सा अच्छा से उतना नहीं पढ़ा होता है। हालांकि मैकेनिक्स उन्हें भी पढ़ाया जाता है फर्स्ट या सेकंड सेम में, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो आप इसको देख के घबराना नहीं है, मैकेनिकल वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको इस मैकेनिक्स को देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपका मैकेनिक्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब जो बारी आती है तीसरे खंड की, मैं तीसरा विषय का, वो है टेक्निकल इंग्लिश। तो टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है ग्रामर एंड कंप्रेशन, दूसरा जो है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, तीसरा जो है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, चौथा जो है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, पाँचवा जो है रिपोर्ट राइटिंग, और छठा जो है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेस, सातवा जो है प्राइस राइटिंग, और आठवां जो है स्पोकन इंग्लिश। तो ये है सिलेबस जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब आपका काम क्या है, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन ग्रांटेड होगा, आपको एक कॉलेज ग्रांटी मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम बात करेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का वोल्टेज कितना होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। इन सभी बातों का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आप जो है इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह से किसी और न्यू वीडियो में, तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।